मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार बचेगी या जाएगी ये तो बाद में तय होगा, लेकिन अभी कोरोना से बचना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और खबर ये आ रही है कि नोएडा में दो नए कोरोना वायरस पॉजिटिव केस सामने आ गए। इसमें एक महिला है, नोएडा में रहने वाली महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। हाल ही में वो फ्रांस से लौटी थी। वहीं नोएडा के सेक्टर 100 में रहने वाला शख्स भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दोनों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। संजय शाह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। संजय, ये दोनों नोएडा के सेक्टर 100 के ही लोग हैं, क्या जानकारी है इनको लेकर, कब पता चला, क्या हुआ, जरा बताइए। जी बिल्कुल सुशांत, कोरोना वायरस धीरे धीरे अपना पैर पसार रहा है और नोएडा में दो नए मामले सामने आए हैं जिसमें से एक महिला है एक पुरुष है। अभी तक स्वास्थ्य विभाग को मिली जानकारी के मुताबिक महिला के हिस्ट्री है कि फ्रांस से महिला कुछ दिन पहले ही लौटी थी और उसके बाद से पिछले एक सप्ताह से महिला को ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। आज सुबह महिला की रिपोर्ट आई है जिसमें कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है, लेकिन जो दूसरा केस है उसकी हिस्ट्री अभी किसी विदेश से लौटने की नहीं मिल पाई है। हिस्ट्री की अभी छानबीन स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, लेकिन उस व्यक्ति में भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये इस तरह का पहला मामला है जो व्यक्ति अभी तक ना तो विदेश से लौटा है और ना ही किसी विदेश से लौटे हुए व्यक्ति के संपर्क। ठीक है संजय सर, ये आप अहम जानकारी दे रहे हैं और आप कह रहे हैं इसको लेकर जानकारी जुटाई जा रही है, तो आप अपडेट इस पर हासिल कीजिए, हम आपके पास लौटेंगे। लेकिन अगर आप कोरोना को लेकर ये सोच रहे हैं कि भगवान के दर पर जाएंगे और आशीर्वाद लेंगे और बच जाएंगे, तो उसमें भी एक समस्या है। भगवान के दर भी बंद हो गए हैं कोरोना की वजह से, शिरडी साईं मंदिर भी आज से बंद कर दिया गया है। बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से शिरडी साईं ट्रस्ट ने यह फैसला लिया, आज दोपहर 3 बजे से शिरडी साईं का मंदिर भी बंद हो जाएगा। यानी भगवान से गुहार लगानी है तो घर वाले भगवान से ही लगाइए, उस मंदिर मत जाइए जहां बाकी भी आ रहे हैं। तो दो बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है, एक तरफ कोरोना को लेकर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, दूसरी बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर है मध्य प्रदेश में, क्या आज फ्लोर टेस्ट होगा, कल होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, इन दोनों पर हमारी नजर होगी। मेहमान हमारे साथ हैं, छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो 10 मिनट में 100 बड़ी खबरें पहले दिखाएंगे आपको।